मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं 2 करोड़ के, एक बन रहा है जैसी नगर में, एक बन रहा है राहतगढ़ में। अगला मैच जो स्टेडियम पहले बन जाएगा उस स्टेडियम में ये मैच होगा। और अभी मैं बैठा था मंच पर, कार्तिकेय जी हमसे कह रहे थे कि चाचा रोजगार मेला भी लगवाइए। देखिए, सुरखी विधानसभा क्षेत्र ने जो पिछले महीनों में बहुत बड़ा क्रिकेट का आयोजन किया था, उस क्रिकेट के आयोजन में का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और हजारों युवाओं ने क्रिकेट खेला, जिसकी तारीफ पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोगों ने देखा और हुई है। उसके चलते मुझे लगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम खोलने की बहुत आवश्यकता है। उसी तारतम्य में हमने 2 करोड़ रुपए का स्टेडियम 10 एकड़ में यहाँ शुरू किया है, इतना ही बड़ा राहतगढ़ में किया है, तो 4 करोड़ के 2 स्टेडियम शुरू हो रहे हैं। यहाँ के युवाओं को खेलने में ना रुचि के साथ साथ उन्हें आप अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। दूसरा, जनपद पंचायत की बिल्डिंग अंग्रेजों के ज़माने की थी, टूटी फूटी, उसके लिए भी हमने 1.25 करोड़ मंजूर किया है। और तीसरा, यहाँ से जनविकास तक के लिए 7.5 करोड़ का मंजूर किया है, जो एक सुंदर रोड बनेगी। तो करोड़ों रुपया ये काम की आज शुरुआत हुई है। और सुरखी विधानसभा क्षेत्र में मैंने संकल्प लिया है कि विधानसभा के एक भी गांव प्यासा नहीं रहेगा, हर गांव में पानी की व्यवस्था करवाना, पेयजल की व्यवस्था करवाना हमारा पहला फर्ज है। उसी तारतम्य में आज हमने जैसी नगर में भी टंकी बनाना शुरू कर दी है, घर घर पाइपलाइन बिछना शुरू हो गई है। मेरा लक्ष्य है कि 2023 तक विधानसभा के हर घर में 20 के साथ पानी पहुंचे।